जाए हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, और जब जब आएंगे तेलंगाना आए कांग्रेस वो ईवीएम ठीक है, ये क्या बात है? जहाँ जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाते ईवीएम गलत है, ये उनका इशू है, ये उनका भ्रम है। देखिए कांग्रेस शून्य हो जाएगा भारत में, कटोरा लेकर सब घूमेंगे भाई। अच्छा, आमदनी किसी की नहीं बढ़ रही है, कटोरा लेके हर तरफ मोदी मोदी मोदी, किसान बोलता है मोदी मोदी मोदी, युवक बोलता है मोदी मोदी मोदी, महिला बोलता है मोदी मोदी मोदी, गरीब बोलता है मोदी मोदी बोलती, हिंदू बोलता है मोदी मोदी, मुसलमान बोलता है मोदी मोदी। रोजगार दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। अभी जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जैसे भाजपा आया, फिर 2024 में फिर से भाजपा आएगा। नरेंद्र मोदी पूर्ण प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा का मोदी सरकार जरूर आएगा। कुछ लोग हैं, कहां से आए हैं सर? ओडिशा से आए हैं। अच्छा, ओडिशा कलाहांडी से। क्या लगता है इस बार फिर बार बार मोदी सरकार, फिर बार बार मोदी सरकार, 2024 में भी मोदी सरकार आएंगी, जरूर आएंगे मोदी सरकार। फिर बार बार नहीं समझ पाए मैं। फिर अभी 2024 वो आएंगे, फिर इलेक्शन होगा 5 साल के बाद, फिर मोदी सरकार आएंगे। पूरा मोदी सरकार जब तक भारत विकसित होगा उसी माने पूरा मोदी सरकार आएंगे। विपक्ष कह रहा है खत्म है छुट्टी। बिल्कुल खत्म नहीं है, बिल्कुल खबर, सब खुश है, सब खुश है। 80 करोड़ जो लोगों हैं उनको फ्री में चावल देते हैं मोदी सरकार, सबका ध्यान में है। जो कोरोना आया, कोरोना में सबको एक डोज नहीं, दो डोज नहीं, तीन तीन डोज फ्री में वैक्सीन दिए, सब बच गए हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार जो रहेगा, अरे गरीबों का घर मिलता है, गरीबों को टॉयलेट मिलता है, गरीबों को पानी मिलता है, गरीबों को बिजली मिलता है। पक्ष कहता है रोजगार दे दीजिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है। अभी जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जैसे भाजपा आया, फिर 2024 में फिर से भाजपा आएगा। नरेंद्र मोदी पूर्ण प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा का मोदी सरकार जरूर आएगा। युवा है साथ में आपके, भाई साहब कैसे सरकार आएगी? राहुल गांधी तो पैदल यात्रा किए हैं। राहुल गांधी जी की यात्राएं पूरी हो गई है, अब भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ पूरे हिंदुस्तान में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। 2024 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः शपथ लेने वाले, हैट्रिक बनाने वाले, और भारी बहुमत से हैट्रिक बनाएंगे। पिछली बार 303 आई थी, इस बार 400 पार का नारा है। अच्छा, केजरीवाल भी साथ में है। केजरीवाल का तो गया, केजरीवाल की बोलती बंद हो गई, अब केजरीवाल कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी है और मोदी रहेगा, कोई नहीं बन सकता जब तक मोदी जी है तब तक। और हिंदुस्तान के अंदर अभी 5 राज्य में चुनाव थे, 3 राज्य मोदी जी के नाम पर भारी बहुमत से जीते हैं। भाई साहब ये जो ATM है ना, AVTM, उसको बंद करा दीजिए, उसको बैलेट पेपर से कराइए सब। तो बैलेट पेपर से भी आगे देख लो, उससे भी हालत खराब हो जाएगी इनकी। कांग्रेस पूरी साफ हो गई है, और जो बची खची है ये भी साफ हो जाएगी। कांग्रेस का रहा क्या है, 1-2 राज्य वो भी जाने वाला है। हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, और जब जब आएंगे तेलंगाना आए कांग्रेस वो ईवीएम ठीक है, ये क्या बात है? जहाँ जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जहाँ हार जाते ईवीएम गलत है, ये उनका इशू है, ये उनका भ्रम है। देखिए कांग्रेस शून्य हो जाएगा भारत में, साफ और नहीं रहेगा। जो भी कुछ बच्चा है ना, वो सब साफ हो जाएगा। हर तरफ मोदी मोदी मोदी, किसान बोलता है मोदी मोदी मोदी, युवक बोलता है मोदी मोदी मोदी, महिला बोलता है मोदी मोदी मोदी, गरीब बोलता है मोदी मोदी बोलती, हिंदू बोलता है मोदी मोदी, मुसलमान बोलता है मोदी मोदी, क्रिश्चियन बोलता है यही यही। सुन लीजिए, देखो मोदी, देखो यही प्रचार, देखो यही प्रचार, देखो यही प्रचार, यही प्रचार कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि विपक्ष वाले के मोदी की हवा खराब हो गई है। हवा तो हवा नहीं है, ये तूफान है, उड़ जाएंगे। नाम निशान नहीं रहेगा, विपक्ष ही नहीं रहेगा, तूफान में सब उड़ जाएंगे।
कोई भी नहीं रहे, घबरा गए हैं, घबरा गए हैं। अरे मोदी क्या है, विश्व का एक नंबर नेता बन गया। क्यों बन गया भाई? H1 वही संसद बनाया और वही में घालमेल हो गया। अरे संसद जो पराधीन का, जो हम पराधीन हुए थे उसमें जो चिन्ह था घालमेल, देश को पूछो उनके हाल क्या हुए। अब जो संसद, जो संसद के अंदर कूदे उनके हाल पूछो क्या हुए। उनकी सात पीढ़ी याद आ गई है। जिंदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा संसद में कूदने की। संसद के अंदर कूदना आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। संसद में घुस नहीं सकते तो कूदने का प्रयास करते हैं। अरे निर्वाचित होकर संसद आओ ना भाई। कोई मनता करता है? कोई मना करता है? रोजगार नहीं है। अरे जनता वोट नहीं देता हो, संसद में कूदने का प्रयास करता है। वोट जीत कर आओ ना भैया, कौन मना करता है? लोगों वोट नहीं देते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इसलिए कूदने का बालकनी से प्रयास करते हैं। लज्जा लगेगा विरोधी दल को, लज्जा लगेगा। विरोधी दल कह रहा है इन्हीं के सांसद तो अंदर घुसाए थे। कौन? कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। एक विरोधी दल का साजिश था, वही पे फेल मार गया। हाँ सर, क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं विरोधी दल का साजिश था। हाँ वो तो ठीक बात बोल रहे हैं वो। हाँ कोई साजिश था। हाँ अभी देखो क्या हाल हो गया उन लोगों का। क्या हाल हुआ? अभी चुपचाप बैठ गए। अच्छा में चूक हुई कि नहीं हुई? नहीं नहीं, सुरक्षा में देखिए, सुरक्षा में कोई चूक नहीं। अगर कोई पागल आदमी कोई पागल आकर उस डांस करेगा, कोई मना कर सकता है क्या? पागल हो गए, सब पागल हो गए, घबरा गए हैं। कोई ऐसे सुरक्षा के कोई खराब नहीं था, पागल हो गए, घबरा गए। युवा है। हाँ भाई क्या कहोगे, संसद की सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं हुई? मोदी का 9 साल ठीक रहा क्या? कुछ कह नहीं सकते। मन में दर्द है? मन में दर्द बहुत है। क्या? कुछ कह नहीं सकते बस। और क्या बता दो, कौन कौन रोक रहा है? क्या कोई रोकने वाला? कोई नहीं है, मगर क्या क्या कहेंगे? कटोरा लेके हाथ मारेंगे, कटोरा लेके सब घूमेंगे भाई। अच्छा, आमदनी किसी की नहीं बढ़ रही है। कटोरा लेके यहाँ भीख मांगने आ रहे हो? यहाँ कहाँ बात कर रहे हो? रोजगार? अरे दूसरा देश जय जयकार कर रहा है, यहाँ कहाँ की बात कर रहे हो तुम? यहाँ की दूसरा देश का प्रधानमंत्री जो है वहाँ का पाँव पड़ रहा मोदी कर दो। आप यहाँ की कहाँ बात कर रहे हो भैया? आप कहाँ का बात कर रहे? अरे दूसरा देश जय जयकार कर रहा, तू तो यहाँ देश का है यार, क्या बात कर रहा है यार? दूसरे देश के लोग जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहा है यार? तू तू ये देश प्रधानमंत्री का तू निंदा कर रहा है यार, क्या बात? वीर शिवाजी है, शेर का बच्चा है मोदी। मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है। हाँ वो नाम के लिए है, बस खाली नाम के लिए है। जब 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 सदन पे एक तरीके से जब लोग घुसे तो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि शेर देखता रहा, कहा डरो मत। हाँ वो तो बोलेंगे, उनका काम हो जाए। अरे भाई अंग्रेज का है तो कांग्रेस आए, क्या है उनको? इनको क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है भाई, क्या फर्क है उनका इनको? कांग्रेस कहता जो विकास कर दिया कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं है इनको पास, इनका पास कोई मुद्दा नहीं है। गड़ी गड़ी क्या राहुल गांधी क्या बात करते? राहुल गांधी की पार्टी में करते राहुल गांधी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, दूसरा कोई बात ही नहीं है। उठे सुटे वही बात, अदानी अंबानी, कुछ खोदते नहीं, पहाड़ खोदते चूहा निकालते, कुछ है दम उसमें? क्या है अंबानी अदानी के पास, क्या 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 लिया है बताओ ना भाई, बताओ जन को, पब्लिक को बता के बोलो ना। उठा हटा दी, बेच दे रहे हैं सबको। अरे वो तो उनका काम ही है वो बोलने के पास, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास।